जंगली जानवरों, बंदरों व असहाय पशुओं की वजह से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किसान अब मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना का लाभ ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, चंबा, हमीरपुर व ऊना में अब तक 160 किसानों ने योजना का लाभ उठाते हुए 2,92,246 पैरामीटर इन मीटर फेंसिंग करवाई है। योजना के तहत तो सोलर बाड़बंदी के अतिरिक्त कांटेदार तारों और चेन लिंक बाड़बंदी पर 50%, कंपोजिट फेंसिंग पर 70%, जबकि व्यक्तिगत सोलर फेंसिंग पर 80% और कम्युनिटी आधार पर सोलर फेंसिंग पर 85% की सब्सिडी दी जा रही है। कृषि विभाग उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर दौलत राम राजू ने बताया कि योजना के तहत वर्ष 2019-20 में जिला कांगड़ा में 784 किसानों की जमीन पर 10.31 करोड़ रुपए व्यय किए गए, जबकि मंडी जिला में 132 किसानों की जमीन पर 4.56 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिला चंबा में 29 किसानों की जमीन पर 40 लाख रुपए, जिला हमीरपुर में 101 किसानों की जमीन पर 204 लाख रुपए तथा जिला ऊना में 113 किसानों की जमीन पर 623 लाख रुपए खर्च किए गए। उन्होंने बताया कि कांगड़ा, मंडी, चंबा व ऊना जिला में वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री संरक्षण योजना का किसानों ने भरपूर लाभ लिया, जिसके तहत लगभग 23.54 करोड़ की राशि खर्च की गई। आपको बता दें कि जंगली जानवरों, बंदरों की वजह से कई लोग खेतीबाड़ी छोड़ चुके हैं। जब किसानों को मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना की जानकारी मिली है तो किसानों ने कृषि विभाग से संपर्क किया। योजना के बारे में विस्तृत जानकारी लेने के उपरांत किसानों ने फसलों को बचाने के लिए अपने खेतों व अन्य क्षेत्रों में सोलर फेंसिंग, कांटेदार तारों और चेन लिंक बाड़बंदी, कंपोजिट फेंसिंग और कम्युनिटी आधार पर सोलर फेंसिंग का कदम उठाया है, जिससे उन्हें लाभ भी मिल रहा है। जी, जैसा कि किसान भाइयों को पता ही है, उनकी खेती को जो जंगली जानवर हैं, स्ट्रे एनिमल्स या मंकी, बंदर वगैरह जो हैं, उनकी फसल को हर एक साल जो है नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके कंट्रोल के लिए जो है मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना जो है वो चलाई गई हिमाचल सरकार द्वारा, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट हैं। 3 किस्म के कंपोनेंट्स में है। इसमें एक सोलर फेंसिंग है, जिसमें जो व्यक्तिगत फार्मर होते हैं, इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए 80% सब्सिडी का प्रावधान है, जबकि कम्युनिटी बेसिस पर 2 या 3 फार्मर 3-4 फार्मर इकट्ठे होकर लगानी है, उसके लिए 85% जो है अनुदान जो है विभाग द्वारा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बार्बड वायर फेंसिंग या चेन लिंक फेंसिंग पे सभी के लिए 50% सब्सिडी का जो है वो प्रावधान किया है। इसके अलावा जो तीसरी किस्म की है, उसमें आप जो है कंपोजिट फेंसिंग कर सकते हैं। आप बार फेंसिंग प्लस चेन लिंक फेंसिंग भी कर सकते हैं या वायर मैश प्लस सोलर फेंसिंग भी कर सकते हैं। इसमें सभी के लिए 70% जो है सब्सिडी का प्रावधान है। तो पिछले वर्ष 2019-20 में इस स्कीम के तहत हमने लगभग 3,54,00,000 जो है खर्चा किया है, जिसमें लगभग 584 हेक्टेयर ये जो हमने कवर किया है और 2,92,247 मीटर एरिया जो है फेंस किया है, जिसपे लगभग 1,159 जो फार्मर है जो इससे लाभान्वित हुए हैं पिछले वर्ष में। तो इस स्कीम का फायदा ये हुआ कि जिन लोगों ने इनके मंकी मिनास की वजह से या स्प्रे एनिमल्स की वजह से, पशुओं की वजह से जो खेती बाड़ी करना छोड़ दिया था, तो उनके लिए ये स्कीम जो है एक बूंद सिद्ध हुई है, उनके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हुई है। और उन लोगों ने दोबारा, वो लोग जो हैं खेतीबाड़ी की ओर जो हैं, उन लोगों ने दोबारा से खेतीबाड़ी करना जो है शुरू कर दिया है, और ये एक बड़ी कामयाब स्कीम जो है डिपार्टमेंट की रही है।